हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सबों के लिए आज जो दिन है यह सबसे बड़ा पर्व है। इससे बड़ा पर्व भारत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज ही के दिन हम स्वतंत्र हुए थे। आप सभी को जैसा कि मालूम है, हम लोग ब्रिटिश सरकार के अंदर लगभग 200 वर्षों तक गुलाम थे, और ना जाने कितनी बलिदानें हमने दी हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। और तब जाकर के लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और इससे बढ़कर के और आज़ादी क्या हो सकती है, ठीक है ना। और ये हमारा जो खुशी का जो दिन है, हम इसे भूलना नहीं चाहते हैं। ऐसे तो हमें हर पल हर क्षण हमें याद रहना चाहिए कि इस शुभ के ना शुभ दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन हम लोग का एक दिन फिक्स है कि 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और हम लोग पूरी तरह से इसे सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हम उसे ना हम उस दिन को बार बार याद करना चाहते हैं जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। और कितना अच्छा लगता है ये कह करके कि हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, हमारी जो पूर्वज थे वो मतलब 200 वर्षों तक गुलाम रहे थे अंग्रेजों के। कहते हैं आगे आप ना आगे देखते हैं कि इनमें से कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी आपके सामने हैं, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता ना स्वतंत्रता दिलाने में अपने अहम योगदान निभाया है। पर कुछ इतने ही लोग नहीं हैं, मतलब कि बहुत असंख्य लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो झंडा देख रहे हैं, इस तिरंगा को देख करके, चाहे हम किसी भी हालत में हों, चाहे हम कहीं भी हों, इसको देख करके जो सुकून मिलता है उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये स्वतंत्र हो देश, तब तो और एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं जय हिंद। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम लोग देखिए इस तरह से हम लोग क्या थे कि अंग्रेजों ने हमें क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था 200 वर्षों तक। और हमारे जितने भी मतलब संसाधन थे सभी का उन्होंने दोहन किया। ठीक है, उसके बाद हमें जाकर के सफलता मिली। इसलिए हमें याद रखना है हमारी भारत माता, जिसे हम लोग माता कहते हैं, ठीक है ना, हमारी जो भारत माता है, भारत माता है, माँ शारदे का मैंने पिक्चर लगाया, भारत माता जो है, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों इस दिन आज़ाद हुई थी। इसलिए हम लोग बहुत मतलब इस दिन को शुभ मानते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है ना, आप सभी ने बहुत मैसेज किया, सभी लोगों ने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो प्यारे बच्चों, मेरे पास तो सबको रिप्लाई हम नहीं कर पाए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को कहते हैं आप सभी को 15 अगस्त है ना इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आगे आप लोगों का बहुत ज़्यादा वो आ रहा था कि सर हम लोगों के जो कोर्स में है, इस खुशी के दिन में कुछ अवसर दिया जाए, हाँ, ताकि हम लोग कोर्स में इनरोल हो पाएँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी की वजह से, थोड़ा बहुत कम पैसे होने की वजह से कोर्स नहीं ले पाए हैं। तो देखिए ये सब मतलब हमको लगता है अभी तक का सबसे भारी छूट हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन है। तो जो भी छात्र अभी तक एडमिशन नहीं लिए, आप लोग ले सकते हैं, जो भी इच्छुक हैं, ठीक है, एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं जाकर के। आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज का मैंने बहुत कम कर दिया है। टेंथ का फीस मतलब 500 रुपये जहाँ होता है 499, उस फीस को मैंने कर दिया 399 रुपये। ठीक है, मात्र 399। अगर आप 11th के साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये अब तक का सबसे कम फीस है। यानी मैंने एक बार ऑफर दे करके 1000 रुपये तक किया था, इस बार मैंने 899 कर दिया है। 11th आर्ट्स वाले छात्र एप्लीकेशन में 499 में आप कोर्स ले सकते हैं, 12th आर्ट्स वाले हैं 499 में ले सकते हैं। अगर आप 12th हिंदी और इंग्लिश के छात्र हैं तो मात्र 299 में आप ये कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन बैंक सीरीज 12th के लिए स्टूडेंट हैं तो मात्र 399 में अपना कोर्स ले सकते हैं। तो जो भी छात्र नहीं लिए हैं, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाकर के इस कोर्स को आप परचेस कर लीजिए। इस खुशी के अवसर पर आप लोगों के साथ और खुशियां बांटी जाएं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें जो चीज़ें आपको मिलेंगी, आप सभी को पता है क्या क्या मिलता है। ठीक है, ऑफर डेट आपके पास 15 और 16 अगस्त तक है, यानी कि 16 तारीख की रात 12 बजे तक आप इस फीस में कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर प्रॉब्लम होती है मैं कुछ नंबर देता हूँ, 7700879453, दूसरा है 6203205598। ठीक है, तो ये फीस है ना, ये आपका नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज वगैरह करके कॉल करके आप लोग कोर्स के बारे में है ना कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इस खुशी के अवसर को यानी इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। आप लोग बहुत कमेंट कीजिएगा, मुझे पता है पहले से कि सर हमें मिठाई खिलाइए, जलेबी खिलाइए आपके साथ। तो मैं आप लोगों के लिए देखिए मैं कुछ बूंदी मंगाया हूँ और हम लोग खाते हैं। तो आप लोग वर्चुअल हैं, काल्पनिक हैं वहाँ से, तो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए पुराना मिठाई है। आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और इस खुशी के अवसर पर अपना मुंह मीठा कीजिए और इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए, ताकि हम जब भी इस दिन को याद करें हमारे अंदर वो आनी चाहिए कि हम लोगों ने कितने त्याग और बलिदान के साथ है ना इस आज़ादी को पाया है।
और ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करें, जब हम आज़ादी पा सकते हैं तो कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए बहुत अच्छे से और अपने जीवन में सफलता पाइए, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का, ज़रूर इसको स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद।